शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थोड़ी सी खीर खा लीजिए। बोला ना नहीं खानी है मुझे। जबरदस्ती मुझे खीर खिलाने पे क्यों तुली हो? सब खा रहे थे तो मैंने सोचा। मत सोचो और हमारे बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। भाई साहब अब हमें चलना चाहिए। श्रद्धा बेटी को हम कल घर वापस ड्रॉप कर देंगे। अरे भाई साहब श्रद्धा को आप क्यों छोड़ने आएंगे? हमारा बेटा अभी आएगा ना लेने। श्रद्धा बेटा चले जी। बीवी मायके जा रही थी, तुम बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए, या फिर यहाँ पे आके उसकी याद में देवदास बनना? तुम अपने काम से काम रखो ना। देखो अभय, तुम्हारा दर्द समझते हैं इसलिए कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमसे बात कर सकते हो। कितनी बार बोल चुका हूँ मुझसे दूर रहा करो, फिर काहे बार बार चेप होती हो? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ ना हमारी तकलीफ है, नहीं देख पाते तुम्हें हम ऐसे। यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? सुनिए बेटा, आप दो मिनट बाहर जाओगे, हमें अभय से जरूरी बात करनी है। जी। इधर आओ बेटा। बहू से बात करने का ये कोई तरीका है? पापा खाना खाने के लिए मना किया था, इसमें इतना बवाल क्यों? अभय बेटा ये बात तुम आराम से भी तो कह सकते थे। इतना क्या गुस्सा आ गया कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसके मम्मी पापा भी वहीं थे? जरा सोचो बेटा उन्हें कैसा लग रहा हो। सॉरी ताऊ जी, पर मैं शादी के बाद से देख रहा हूँ, सबको यही फिक्र है कि श्रद्धा को कैसा लग रहा होगा, उसके मम्मी पापा को कैसा लग रहा होगा। कभी किसी ने पूछा कि मुझे कैसा लग रहा होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती मेरी शादी करवा के श्रद्धा को मुझ पे थोप दिया गया है। चुप कर। खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसी लड़की मिली है, क्या कमी है उसमें? अब श्रद्धा अगर इतनी अच्छी है तो वरुण को कीर्ति क्यों पसंद आई? जबान बनकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप जाके तू श्रद्धा को मैके से वापस लाएगा, समझा? पापा फिर तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। आना होगा, आ जाएगी खुद वो। बदतमीज तेरे अनुज, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी वो बच्चा नहीं रहा है। बेटा इस बाप से तुम्हें कितनी उम्मीदें होंगी। उस दिन उस चिट्ठी में भी तुमने यही लिखा था कि हमने तुम्हें सारी जिंदगी किस तरह प्रोटेक्ट किया, लेकिन जब तुम उन गंडों से लड़ रही थी तो बेटा तेरा ये बाप वहां पर नहीं था। बेटा अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो। पापा हुआ तो नहीं ना, जो हुआ उसे एक बुरा वक्त समझकर भूल जाते हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आपके सामने बैठी हूँ और बिल्कुल अच्छी हूँ। सब कुछ ठीक तो नहीं है बेटा, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी शक्ल देखकर हम लोग पहचान लेते हैं, कुछ तो परेशानी है बेटा। दामाद जी भी कुछ उखड़े उखड़े से थे और तुम्हारे हाथ की खीर भी नहीं खाई उन्होंने, तुमसे ठीक तरह से बात भी नहीं की उन्होंने। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे बेटा। पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए, वो तो हो सकता है काम की वजह से वो थोड़े से परेशान होंगे, जिसका गुस्सा खीर पर निकल गया होगा, पर सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कह रही हो बेटा? बदतमीजी की भी हद हो गई। अरे क्या हो गया? अब भाई साहब के साथ कोई कहा सुनी हो गई क्या? भाई साहब के साथ नहीं, आपके लाडले बेटे के साथ। कह रहा है कि श्रद्धा बिटिया को मैके से वापस नहीं लाएगा। अरे हम उससे बात कर लेंगे, आप समझिए ना। अरे बात बात कुछ नहीं करनी, उसे साफ साफ कह देना
या तो उसको श्रद्धा बिटिया को इस घर में लाना होगा, वरना उसको इस घर से बाहर जाना होगा। अब सुनिए बेटा, आज तुम उस घर की हो गई हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है पापा, मैं ये बात जानती हूँ। अब वैसे बबलू कहाँ है बताइए? बहन शादी के बाद अपने घर पहली बार आई है और वो गायब है यहाँ से। कल उसका यूनिट टेस्ट है और तुम्हारे जाने के बाद उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी मम्मी ने ले ली है, और हमने उससे कह दिया है कि जब तक उसका रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा वो अपनी बहनों से नहीं मिल सकता। आप जाकर देखिए उसे, पक्का किताब के नीचे मोबाइल रखे वीडियो देख रहा होगा। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा देख कर आता हूं। श्रद्धा, पिछले 24 घंटे में तुमने ना जाने क्या क्या सहा होगा। दामाद जी इस शादी से खुश तो है ना? तुम्हें हमारी कसम है, सच सच बताओ। और एक बात ना, तुम कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। ना मेरा तुमसे कोई नाता है और ना ही तुम्हारा मुझसे, इसी ने हम दोनों की बनाई है। बिना मर्जी से की हुई शादी में कौन खुश रह सकता है मम्मी? ऐसा कहा उन्होंने कि वो खुश नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मम्मी आप खुद ही सोचिए, जिस हालात में हमारी शादी हुई है क्या इसमें कोई भी खुश रह सकता है? और कहते हैं ना, किसी भी रिश्ते को बनने में थोड़ा वक्त लगता है, और ये शादी कितनी अचानक से हुई है। पर मम्मी, मैं संभाल लूंगी इस रिश्ते को। मैं चाहती हूँ, तुम हमेशा सब संभाल लेती हो। अरे पानी लाइए, हम यहाँ मर ना जाए। ला गया, ये लीजिए, ये लीजिए। अब बीपी ठीक हो गया आपका? बीपी की वजह से ये सब नहीं है, कल देवी पूजन जो है उसी की घबराहट हो रही है हमें। देवता पूजन के लिए क्यों घबराहट हो रही है आपको? लीजिए भाभी, सबसे ज्यादा तो आप ही को घबराना चाहिए, क्योंकि कीर्ति आपकी बहू है। देखा नहीं उसने आज क्या किया? बहुत हंसी आ रही है ना तनुजा? उस वक्त नहीं आई जब अभय ने तमाशा किया था? कीर्ति तो बच्ची है, उसे नहीं पता ससुराल में कैसे रहना चाहिए। लेकिन अभय, आपके हिसाब से तो अभय बहुत समझदार है ना? खाक समझदार है, देखा नहीं आप लोगों ने आज उसने क्या किया? कीर्ति ने जो कुछ भी किया वो बाहर वालों के सामने किया, लेकिन अभय ने तो अपने ससुराल वालों को भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह से अभय ने श्रद्धा के साथ बात की, दिया मोमबत्ती लालटेन लेकर भी ढूंढने जाएंगे ना तो अभय को श्रद्धा जैसी बहू नहीं मिलेगी। और ऋतु, आपको पूजा की चिंता हो रही है? हमारा दिल तो ये सोच के बैठा जा रहा है कि अभय श्रद्धा को लेने जाएंगे या नहीं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।